औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज ये खबर बड़े अफसोस से कही जा रही है कि जनाब अलहाज ज़ैनुद्दीन शिरनी फरूर साहब, जो कि सफ़र आखिरत के NGO तहत कई उनके खिदमात है, कल रात में मक्के से मदीना जाते हुए एक हादसे में उनका इंतकाल हो गया है। ये गुलबर्गा के लिए बड़े अफसोस की बात है, हम सब के लिए, ना सिर्फ उनके ख़ानदान के लिए बल्कि पूरे गुलबर्गा के लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त हादसा है ये हमारे लिए। और आप बहुत काफ़ी खिदमत करते थे, चाहे ये हाजियों की हो और उनको जो ईदगाह में भी जो उनके खिदमत है वो रहती दुनिया तक कायम रहेंगे। उन्होंने काफ़ी खिदमत की है सबकी, और आज मैं भी उनके घर गई थी पुरसा देने के लिए उनकी बीवी को। काफ़ी लोग जमा थे वहाँ पे, जेंट्स और लेडीज़ सब पुरसा देने के लिए आए थे। उनको सबको बहुत तकलीफ़ है। उन्होंने दो ग्रुप्स बनाए थे, एक जेंट्स के लिए और एक लेडीज़ के लिए, नहलाने के लिए, मैयत को नहलाने के लिए उनके दो ग्रुप्स थे। तो उन्होंने काफ़ी खिदमत की है, अल्लाह उनको जजाए खैर दे, जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, हम सब की दुआ है। और जहाँ और उनको इंशाल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह मिलेगी। कोविड के पीरियड में उन्होंने ना हिंदू देखा ना मुसलमान, सबके लिए उन्होंने काम किया है। ये चीज़ काबिले हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है, ये हम कभी भुलाई नहीं जा सकती ये चीज़ उन्होंने जो किया है। तो कल्याण कर्नाटक में जो दो दिन का प्रोग्राम है, मैं CM को एक लेटर दी हूँ उनको अवार्ड देने के लिए, जो उनकी इज़्ज़त अफजाई करने के लिए जो उन्होंने किया है कौम के लिए, गुलबर्गा के लिए। तो इंशाल्लाह ताला वो भी होगा शुरू, अल्लाह उनको जजाए खैर दे, जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। तो मैं तमाम लोग उनके ख़ानदान वालों से फिर से एक ताज़ियत देती हूँ। शुक्रिया।